ये हमारा घर नहीं है। कोई कहे कि भारत ही मेरा घर है, कोई कहे कि फला जाति में मैंने जन्म लिया, यही मैं इसी जाति का हूं, या कोई कहे कि मैं इस पृथ्वी का वासी, ये धरती का वासी हूं, ये सब भ्रम है, मूर्खता है। ये मुसाफिर खाना है, हम राहगीर हैं, राह में रुक गए हैं विश्राम लेने के लिए, फिर आगे चले जाना है, कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है, लेकिन है ये मुसाफिर खाना। यहां कोई रहता नहीं है, जो आया सो ही गया, जो भी आया, राजा हो गए, रंक हो गए, बड़े बड़े मिनिस्टर गए, राजा गए, रंक गए, सेठ गए, साहूकार गए, चोर गए, डाकू गए, कोई बचा है यहां? कोई नहीं बचा। पृथ्वी माता कहती है सम्राट को कि अरे सम्राट, आज तो बड़े अहंकार के साथ कहता है कि मैं भूपति हूं, हे चक्रवर्ती सम्राट, ये झूठा अहंकार त्याग दे। तुझसे पहले करोड़ों सम्राटों ने यही कहा था कि मैं भूपति हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। आज उनका नामो निशान नहीं मिलता, कोई बता नहीं सकता कि वो कहां गए, हवा में गए कि जमीन में गए या आसमान में गए, कहां गए, या कीट पतंगों में गए, कीड़े मकोड़ों में गए, कुत्ते बिल्लियों में गए, या गधे घोड़ों में गए, कहां चले गए। कोई बता नहीं सकता। हे राजन, आज तो इतने अहंकार से बोलता है कि मैं भूपति हूं, मैं चाहूंगा वो होगा, मैं ऐसा करूंगा, कौन भगवान, कैसा भगवान, किसकी सेवा, किसका नाम जप करूं। हिरण्यकश्यप को तो यही बोलता था प्रहलाद महाराज को कि किसका नाम लेता है तू, मैं भगवान हूं, मेरा नाम लिया कर सुबह शाम, और सब राक्षस बच्चों को भी यही सिखा दे कि हिरण्यकश्यप भगवान है, मेरे नाम की माला जप कर, ये माला ले, हिरण्यकश्यप ओम हिरण्यकश्यप देवाय नमः, ओम हिरण्यकश्यप देवाय नमः, ओम हिरण्यकश्यप देवाय नमः। आखिर नतीजा क्या हुआ? हिरण्यकश्यप मारा गया नरसिंह भगवान के हाथों से। प्रहलाद महाराज ने, हिरण्यकश्यप ने तो मूर्ति बना रखी थी अपनी सुंदर, 7 फीट की सोने की मूर्ति, रत्न जड़ित हारों के साथ, मुकुटों के साथ, असुरों का राजा था। प्रहलाद महाराज को पकड़ के ले गया मंदिर में कि ये देख हिरण्यकश्यप, मेरी मूर्ति तेरे पिता की मूर्ति, सभी असुर बालकों को समझा दे कि मेरे पिता ही ईश्वर हैं, तू मत बोल राम कृष्ण नारायण गोविंद, हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मत बोल, बोल ओम नमो हिरण्यकश्यप नमः। पिताजी, आप यदि भगवान हैं तो ये लो, ये पौधे से मैंने इस फूल को अलग कर दिया है तोड़ करके, आप कृपया इस फूल को वापस लगा दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप भगवान हैं। क्या बातें करता है बेवकूफों की तरह, टूटा हुआ फूल कैसे वापस डाली में लग सकता है। पिताजी, फिर आप भगवान नहीं है। वो भगवान ने देखो कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, कितने असंख्य फूल खिलाए हैं, आप एक भी फूल खिला सकते हैं, मैं मान लूंगा कि आप भगवान हैं। मूर्ख है तो प्रहलाद। तो ये हिरण्यकश्यप समाज में अधिक बढ़ गए हैं। भगवान की समीप आना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, इसी में हमको सुख
शील संतोष आनंद मिल सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम ही मार्ग है उस परमानंद को प्राप्त करने का, दूसरा मार्ग नहीं है। आइसक्रीम में नहीं है आनंद, कारों में नहीं है। मुझे कोई कभी मंदिर में होता हूं, कभी बोलता है कि स्वामी जी आ जाओ आपको छोड़ दूं, मैं बोलता हूं मेरे पास ट्रेन पास है, चला जाऊंगा मैं तो मंथली पास निकाल लेता हूं, और इतनी दूर मेरा घर है, कहां जाओगे आप? बोले स्वामी जी आपको घर तक छोड़ूंगा, आप पहले घर छोड़ूंगा फिर आगे जाऊंगा। नहीं, मैं तो क्षमा ही मांग लेता हूं कि मुझे तो पता नहीं भगवान ने कुछ ऐसा, एनीवे मेरा जीवन भी सन्यासी का है, मुझे तो पांव पे चलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसको कार में चलना अच्छा लगता है, कार कोई बाधा थोड़ी है भगवान से मिलने के लिए, या आपका धन दौलत बाधा नहीं है भगवान से मिलने के लिए, या आपके महल मकान रिश्तेदार ये बाधक नहीं है भगवान से मिलने के लिए, या आपका गृहस्थी जीवन बाधक नहीं है भगवान से मिलने के लिए। आप जाएं जिस रूप में, राजा हैं तो और प्रजा हैं तो, जिस रूप में भी हैं, जिस वेश में भी हैं, जिस देश में भी हैं, आप भगवान से मिल सकते हैं, मिलने की तैयारी कर सकते हैं, उस आनंद को लूटने के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं, भगवान की सेवा में उतारू हो सकते हैं, तत्पर हो सकते हैं, लग सकते हैं, जब चाहे जिस हालत में चाहे उसी हालत में। यद करो सी यदस्नासी, जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, सब उसकी स्मृति में करो, उस भगवान को सामने रख के करो, सब कर्म करो, तो आप उनकी शरण में आ जाओगे। दुष्कर्म करने वाला नहीं आ सकता, भक्त बन ही नहीं सकता। वो लाख दिखाने के लिए दान पात्र पर अपना नाम लिखा है दानियों में, लेकिन भगवान की शरण में नहीं आ सकता। जो अपना नाम चाहता है वो भगवान को कैसे पा सकता है? दुष्कर्म करने वाला भी नहीं आ सकता भगवान की तरफ। भगवान को पाने के लिए शुद्ध सरल हृदय चाहिए और उनकी शरण चाहिए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं शुद्धता से जीवन जीता हूं, शुद्धता से परिवार को पालता हूं, शुद्धता से फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाता हूं, आप मेरे ऊपर कृपालु बने रहना, आप मेरे मेरी परिवार की रक्षा करना, और कभी आपकी विशेष कृपा हो तो मुझे दर्शन देना। ऐसी अभिलाषाएं रख करके जो अपने कर्म में आरूढ़ होता है, जिस कर्म के फल को सत्कर्मों में लगाता है, सच्ची प्रभु की सेवा है, झूठी प्रभु की सेवा नहीं है। झूठ कर्मों में लगाया गया परिश्रम, धन, दिमाग, ज्ञान भगवान की सेवा में नहीं लगता। सत्कर्मों में लगाया गया भगवान को सामने रख करके, वो सब भगवान की सेवा है। चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर स्वभाव, तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही अत्यर्थम, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सहच मम प्रिय। भगवान को ऐसा भक्त बहुत प्रिय है जो सदैव उनकी सेवा में लग गया है, ये जानकर के कि मैं उनका अंश हूं, वो मेरे पिता हैं, मेरे बीज पिता हैं, मेरे असली पिता हैं। आपका असली घर वो वैकुंठ है, वो इटर्निटी है, वो वृंदावन धाम, जो वैकुंठ का श्रेष्ठ हिस्सा, श्रेष्ठ धाम भगवान
श्री कृष्ण का धाम है, वो आपका ओरिजिनल घर है, क्योंकि आप वहां से ही अलग हुए हैं भगवान से, भगवान के शरीर से ही अलग हुए हैं आप, उनके अंश हैं आप। जैसे किरणें, असंख्य किरणें सूर्य से अलग होती हैं और जमीन को टच करती हैं, नरक को भी टच करती हैं, अच्छे बुरे सबको स्पर्श करती हैं, लेकिन वो भूलती नहीं कि सूर्य हमारा स्रोत है। ऐसे ही भगवान के भक्त कभी भूलते नहीं कि भगवान हमारा स्रोत है, वही हमारा कारणों का कारण है, वो हमारा पिता है। भगवान ने स्वयं कहा है यहां, अहम बीज प्रदाता पिता, मैं सभी का बीज प्रदाता हूं, बीज पिता हूं, ये सब मेरी संतान है। ले भूल गए मुझे, भटक रहे हैं संसार में, चिथड़े पहन के कांच के टुकड़े बीन रहे हैं। कहने के शब्द अच्छे अच्छे रखे हैं, टाई है, सूट है, बूट है, संत कह रहा है कि ये चिथड़े पहन के ये कांच के टुकड़े क्यों बीन रहे हो, उस प्रभु को भूल के, प्रभु को भूल करके कुछ भी करो वो सब कांच के टुकड़े हैं। प्रभु को अपने सामने रख करके जो छोटा सा भी करोगे या बड़े से बड़ा भी करोगे वो सब प्रभु की सेवा है। जैसे पत्नी अपने रूठे हुए पति को मनाने के लिए क्या करती है, एक गिलास दूध बना लेगी, कहेगी दूध तो पी लीजिए, नहीं पीना, दूध को गिलास को रख देगी एक तरफ को, फिर धीरे से दबे पांव पैरों की तरफ जाएगी, और पति अगर खाट पर सो रहा होगा लेटा होगा तो चरणों की तरफ नीचे बैठ जाएगी जमीन में और पांव को हाथ लगाएगी, दबाने लगेगी, लगती है ना, ऐसा देखा गया है। पति पिघल जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि चलो जाने दो, पांव दबा रही है। ये परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, चाहे दूध गर्म करो या चरण दबाओ या कोई पुष्प उनको अर्पण करो कि लीजिए प्रभु मैं आपके लिए एक फूल लाया हूं, कुछ सेवा करनी पड़ेगी। सेवा से श्रद्धा प्रकट होती है, श्रद्धा प्रेम का फाउंडेशन है, भक्ति का फाउंडेशन है, नीम का पत्थर है, और ये नीम का पत्थर मिलता है सेवा से। जितनी सेवा करोगे उतनी श्रद्धा प्रकट होगी, और जितनी श्रद्धा प्रकट होगी उतनी आपकी भक्ति ऊंचे शिखर पर जाएगी जो प्रभु से मिलाएगी आप। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अभी यहां पर शुद्ध भक्ति और भगवान के शुद्ध भक्त का चरित्र दिया है इस श्लोक में। यह श्लोक लिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु से, जो रूप गोस्वामी जी महाराज चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में बैठने वाले उनके शिष्य, प्रिय शिष्य छह गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में बैठते थे, भगवान के शुद्ध भक्तों में रूप, सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, ये छह गोस्वामी वृंदावन में महान भगवान की भक्ति करते थे। उनमें से रूप गोस्वामी जी ने भगवान का, सभी इन छहों ने भगवान का साक्षात्कार किया, दर्शन किए। रूप गोस्वामी जी ने अपनी एक शास्त्र लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें उस शुद्ध भक्त की परिभाषा दे रहे हैं। शुद्ध भक्त की परिभाषा देने का अधिकार उन्हीं को है जो शुद्धता पर पहुंच गए हैं और अनुभव किया है। अन्य अभिलाषा शून्यम,
ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति शुद्ध भक्त की कोई प्रकार की अभिलाषा संसार में नहीं रहती, संसार को भोगने की। संसार को ग्रहण करता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, संसारिक पदार्थों को स्वीकार करता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। सोना भी कोई उसको अर्पण करता है तो स्वीकार करता है भगवान की सेवा के लिए, भगवान की मुकुट बनाने के लिए, बंसी बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, सत्संग भवन बनाने के लिए, संत निवास बनाने के लिए, यज्ञ लुटाने के लिए, अन्न क्षेत्र चलाने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, गीता भागवत छपाने के लिए, उस संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा देता है जो जो प्रभु को स्वीकार है उन वस्तुओं को। लेकिन उसकी कोई अभिलाषा नहीं रहती अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को, या तो भी वो भोजन भी भगवान की सेवा के लिए करता है, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद खाता है जिससे शरीर में शक्ति रहे और मैं भगवान की सेवा करूं, इस भावना से। वस्त्र पहनता है, स्वच्छ वस्त्र पहनता है भगवान का नाम उपदेश करने के लिए, सत्संग करने के लिए, समाज के सामने जाने के लिए। अन्य अभिलाषा शून्यम, उसकी और किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती, केवल परमात्मा को प्रसन्न करने की अभिलाषा के अलावा। यह शुद्ध भक्त के लक्षण है। अन्य अभिलाषा शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अनुकूलश्च कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अनुकूल होती है उन उन सेवाओं को करता है, उन उन कर्मों को करता है, संसारिक कर्म नहीं, जिन कर्मों के फल से इंद्रिय तृप्ति मिले, फ्यूरिटिव एक्टिविटीज नहीं करता। जिस कर्म को करने के लिए फल मिले और उससे इंद्रिय तृप्ति करूं, ऐसे कर्म नहीं करता। ज्ञान, ज्ञान पांडित्य जिसको कहा है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके और तर्क वितर्क करना पड़ता है दूसरे से कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, ऐसे ज्ञान उस भक्त के अंदर नहीं होते कि मैं 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मैं आचार्य किया है, मैं संस्कृत श्लोक स्कॉलर हूं, मैं बड़े कुल का हूं, ऐसे ज्ञान वो ग्रहण नहीं करता जिससे तर्क पैदा होता हो। नहीं, ऐसे ज्ञान जिससे अहंकार पैदा हो वो नहीं ग्रहण करता। ज्ञानियों में बहुत अहंकार होता है, जिनको कुछ ज्ञान हो जाए, संस्कृत पढ़ जाए, आचार्य कर लें, शास्त्रीय कर लें, बड़ा अहम पैदा हो जाता है, ऊंचे कुल में जन्म ले लें। ब्राह्मण के अंदर अक्सर क्यों इतना अहम होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, दूसरे वो संस्कृत भी पढ़ा है, शास्त्रों का ज्ञाता है, सठ कर्मों में निपुण है, मंत्र तंत्रों का मास्टर है, बड़ा अहंकार की पूंजी ढोता है बेचारा, सर पे डाल के अहंकार का वजन ढोता है। शास्त्र कहते हैं कि सठ कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु निषाद वैष्णवा स्वच्छो गुरु।